नमो हायरियानम नमो उच्छायानम नमो लोहि सव्वसाहूनम एशो पौंच नमकारो सम्वभाव पोनाशनो मौलालानौच सव्वेशे अधमं भावाई मौलालं छयाई जग जीव जोनियान ओ जग गुरु जग आनंदो जग ना हो जग बंदो जय जग पिया महो भयवं जय ईशुयानं भवो तिथय रानम पच्छिमो जय गुरु लोगान जय महाप्पा महावीर भगनान जीरंधानम नानंजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः सर्वाभीष्टप्रणासाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः चरित्र गात्रम तपसा सुगात्रम लब्धाप्य शास्त्र विनयाद मात्रम प्रातः सुस्मर्यम स्थविरम श्री संगे श्री सिद्धि सूरेश्वर मान तो प्रातः सुस्मर्यम स्थविरम श्री संगे श्री भद्रं कर सुरेश्वर मान तोष्मि श्री रवि प्रभ विजय गुरुवर मान तो निर्मुक्तं शिवं योगीन्द्रवन्दितं योगबिन्दुं प्रवक्ष्यामि तत्त्वसिद्ध्यै महोदयः भाग्यशाली अनंत उपकारी परम करुणेश्वर तारक देवाधिदेव तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शासन की स्थापना की है। परमात्मा प्रभु ने फरमाया सुख आत्मा के अंदर ही छुपा हुआ है, मगर हमारी आत्मा आज रोगों से ग्रस्त हुई है और रोगों की परवशता की वजह से जीवात्मा संसार में दुखी हो रहा है। तो जिनको भी दुख से छुटकारा पाना है उनको अपने आत्मा में लगे हुए जो भी
अंतरंग अभ्यंतर आत्मा के जो रोग है उस रोगों को ही मिटाने का लक्ष्य बनाना चाहिए। वो रोग जैसे जैसे कम होते जाएंगे वैसे वैसे अंदर के दुख भी कम होते जाएंगे। जब रोगे खत्म हो जाएंगे तब दुख भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए रोग को ही मिटाने का लक्ष्य रखना है और उस लक्ष्य के साथ भगवान की आज्ञा के अनुसार जीवन में धर्म करना। जीवन में जो भी धर्म करना है ना, हम करते हैं धर्म, मगर धर्म करने का तरीका हमारी इच्छा के अनुसार रहा है। आज तक हम भगवान ने दिखाया हुआ धर्म करते हैं, मगर वो धर्म करने का ढंग जो भगवान ने दिखाया है वैसा है या हमको पसंद आता है वैसा है? तो भगवान का भी धर्म हमारी मर्जी के अनुसार हम करेंगे, वो धर्म हमारी आत्मा को बचा नहीं सकता है, वो धर्म हमारी आत्मा को ऊंचे नहीं उठा सकता है। यानी कि भगवान ने दिखाया हुआ धर्म भी भगवान की आज्ञा के अनुसार करना है, हमारी मर्जी के अनुसार हमें धर्म नहीं करना है। डॉक्टर ने दी हुई दवा, दवाइयां डॉक्टर ने दी वो ही लिया है, मगर दवाइयां लेने का तरीका हमने हमारी इच्छा अनुसार रखा तो परिणाम क्या आएगा? आजकल यहाँ देखता हूँ मंदिर जी में सुबह में जाता हूँ भगवान की पूजा करने के लिए, बहुत सारे लोग आते हैं भगवान की पूजा करने के लिए, बहुत सारे लोग। उसमें ऐसे भी भाई मैंने बहुत सारे दिखे हैं कि जो लहंगा जब्बा पहन के भगवान की पूजा कर रहे हैं। भगवान की पूजा करता है धर्म, मगर धर्म करने का तरीका अपनी इच्छा के अनुसार है। वहाँ भगवान की आज्ञा का बहुमान नहीं है, मुझे जो करना है वो भगवान को पसंद आता है वैसे करने की बात नहीं है। भगवान की पूजा करना है मगर भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करना है, मुझे जो पसंद उसमें क्या फर्क पड़ता है? वो लोग दलील करते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए हम आते हैं तो हमने कैसा भी महाराज साहब के कपड़ा हमने कोई दूसरे कार्य में यूज नहीं किया है तो क्यों नहीं चलता, उसमें क्या फर्क पड़ता है? हमको तो भगवान की भक्ति ही करना है ना, भगवान का चरणों में चंदन चढ़ाना, भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ाना, भगवान की धूप दीप पूजा करना, अच्छे द्रव्यों से भगवान की भक्ति पहन करते हैं। कैसा कपड़ा पहना उससे क्या लेना देना है ना? आप लोगों की ये दलील होती है या नहीं होती है ना? कभी स्कूल में प्रिंसिपल के पास जाके आपने दलील किया कि भाई मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए आता है, उनको पढ़ना है और किताब सही किताब लेके आएगा, आप जो सिखाओगे वो सीखेगा, कैसा कपड़ा पहना है उससे आपको क्या लेना देना है? आपने कभी कहा उसको? क्यों नहीं कहा? कानून का पालन कीजिए। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ, कानून का ही पालन कीजिए, मैं वही बोल रहा हूँ। मगर किसका कानून का पालन करना? जो छद्मस्थ है, जो संसारी है, जो शायद दुराचारी है, जो लोग स्वार्थी है, उन लोगों ने दिखाया हुआ कानून का पालन करना, या जो परमार्थ के शिखर पर बैठे हुए हैं, वैसे परम पवित्रता के स्वामी देवाधिदेव परमात्मा की आज्ञा का उनका कानून किसका कानून का हमें पालन करना? आज से कहता हूं भाग्यशाली परिश्रम आ रहा है, शायद जयनगर में पूजा करने में भी ऐसे लोग लहंगा जब्बा पहनते हैं तो सामायिक प्रतिक्रमण करने के लिए क्या नहीं करते होंगे, कुछ बोल नहीं सकते, आप सब जानते हैं। मेरे भगवान की आज्ञा है कि मंदिर जी में पूजा भी सिए हुए कपड़े से नहीं हो सकती है, सामायिक और प्रतिक्रमण भी सिया हुआ कपड़ा पहन के नहीं हो सकता है। इसलिए अभी आपके हाथ एक महीना करीबन बाकी है, आपको अभी से कहता हूँ कि धोती आप अभी से आपके घर में हो तो निकाल दीजिए, नहीं है खरीदी करना है तो खरीदी कर लीजिए, मगर इस वक्त आप जब भी बोलोगे ना इचकारी भगवान पसाय करी सामायिक लिंडा कुछ रहो जी, हम शायद मुंह से बोलकर या मन में भी बोल जाएंगे कि हमारा ये सामायिक करेमी बनते जिन्होंने धोती पहनी है उनके तक हमारा ये करेमी बनते पहुंचना चाहिए, जिन्होंने लहंगा जब्बा पेंट पहना है उनके तक हमारा करेमी बनते नहीं पहुंचेगा। ठीक है भाग्यशाली, धोती भी कैसी सिया हुआ कोई भी वस्त्र सामायिक प्रतिक्रमण और भगवान की पूजा में भगवान ने निषिद्ध किया है,
बहुत सारे लोग तो लेगा जब आप पहनते, कोई कोई लोग धोती भी पहनते हैं। कितनी उम्र वाले हो, 35 साल की उम्र वाले, 40 साल की उम्र वाले, 45 वाली उम्र वाले, फिर भी वो सी हुई धोती पहन के आते हैं, रेडीमेड धोती पहन के आते हैं। वो अपना औचित्य नहीं है, अपनी मर्यादा नहीं है। भाइयों के लिए ये बोलना है, बहनों के लिए भी वही बोलना है कि हमारी बहने जहाँ हमारी मर्यादा थी, बहने पूरा शरीर को ढककर हमारी आर्य वेशभूषा यानी कि साड़ी वगैरह पहन के मर्यादा बहुमान के साथ भगवान के मंदिर में आना था, वहां भी उद्भट वेश पहन के मंदिर में तो आने लगे, उद्भट वेश पहन के गुब्बारे में भी जाने लगे, यानी कि ऐसा ड्रेस पहन के देवाधिदेव भगवान का पूजा करने के लिए जाना। मैं आपको पूछूं, आपको कोई मिनिस्टर को मिलने के लिए जाना है तो कैसा ड्रेस पहन? नहीं, अप टू डेट तो सही, मगर उनके वहां जो उचित लगे, जिसके पास जा रहा हूं उनको उचित लगे वैसा वेश हम धारण करते हैं। एक मिनिस्टर के पास जाते हैं वो भी तो, ये तो देवाधिदेव तीन लोग के नाम देवो और इंद्रों से भी पूजनीय है, और ये व्यवस्था उन्होंने दिखाई है कि आपको देव गुरु की भक्ति करना है तो इस प्रकार का नहीं सिया हुआ धोती केस जैसा, और बहनों को साड़ी वगैरह हमारा आर्य वेश पहन के प्रभु की उपासना करना, वो भगवान की आज्ञा है। तो हम पूजा करने के लिए तो जाते हैं, धर्म तो करते हैं, मगर वो धर्म भगवान की आज्ञा के अनुसार करते हैं या हमारी इच्छा के अनुसार? समय करना, समय तो करना है, प्रदूषण के दौरान दो टाइम आप प्रतिक्रमण तो सब करते ही है ना, है ना, दो टाइम आप सब प्रतिक्रमण तो करते ही है ना। ये जैनों की परंपरा है या दूसरे कोई लोगों की? इतनी भी हमारी संस्कारिता, इतनी भी भगवान के मार्ग के प्रति श्रद्धा और वफादारी, आचार संपन्नता, जो आज मुझे याद है जब मैं छोटा था ना, प्रदूषण के दिनों के दौरान जो सुबह और शाम हम 3 साल के थे ना, तब मैं मेरी बात करता हूँ, 3 साल के थे ना, तब भी हमारे घर के बड़े लोग हमको उठा के प्रतिक्रमण कराते थे, प्रदूषण पर्वत चल रहा है, प्रतिक्रमण के बिना नहीं चल। 3 साल का था तब की बात करूँ, जब मैं 3 साल का था तब भी हमारे वहां यह था कि प्रदूषण में तो दोनों टाइम प्रतिक्रमण करना ही चाहिए। वो आज धीरे धीरे गिरावट आ रही है। आप लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी खुशी के लिए, मेरे व्याख्यान में आप इतने लोग आते हैं, क्या आप ऐसा मानते होंगे कि मैं खुश हो जाऊंगा? आप इतने लोग व्याख्यान में आते हैं तो मैं खुश हो जाऊंगा? आप भगवान के मार्ग से जुड़ो, भगवान के मार्ग में स्थिरता को प्राप्त करो, भगवान के मार्ग में आदर और बहुमान भाव उजागर करके बस अब जीवन में जो समय बाकी बचा है तो भगवान के साथ जुड़ के आराधना करके जीवन को सफल बनाना है, ऐसा मानकर भगवान ने दिखाई हुई आचार मर्यादा और धर्म मार्ग के साथ आप समर्पित होकर बाकी का जीवन आप जियो ना, तो मुझे खुशी होगी कि चलो मैंने जयनगर में चौमासा किया और बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन लाया, मेरा चौमासा सफल हो गया, मुझे खुशी होगी। बाकी आज 500 लोग आ रहे हैं, कल 800 लोग भी आएंगे, मगर परिणाम में क्या, बस सुना मजा आया, सब आंकड़े टट होती थी, आपके जीवन में परिवर्तन की बात छोड़ो, सुनता था मजा आता था। तो ऐसे हजार लोग भी सुने ना तो ये नृत्य को खुशी नहीं होगी उतने, समझ परिवर्तन। आपसे निर्धार कीजिए कि आपसे जीवन में जितने साल बाकी है उतने साल प्रदूषण महापर्व के दो टाइम का सुबह शाम का प्रतिक्रमण तो मैं करूंगा ही करूंगा। बहुत सारे लोग तो करते ही होंगे, मगर थोड़े कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं करते, उनको मैं प्रेम से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इतना कीजिए, प्रदूषण के दौरान तो 8 दिन प्रतिक्रमण करना ही है, ठीक है। जो प्रतिक्रमण कर रहे हैं वो क्या करें, वो तो जो प्रतिक्रमण नहीं करते हैं उनके लिए बोला कि आपको प्रतिक्रमण करना है, मगर जो हर साल प्रतिक्रमण करते ही है वो क्या करेंगे? आपको हमेशा धर्म मार्ग में हमारे गुरु भगवंतों ने हमको एक मंत्र सिखाया, हमारे गुरु भगवंतों ने हमको जीवन में एक मंत्र सिखाया है, मंत्र यानी कि एक सिद्धांत, एक विचार दिया है, हमेशा आप जहां तक पहुंचे हो वहां से ऊपर वाला स्टेप क्या है वो हमेशा याद रखें। अभी आप जहां पहुंचे हो वहां से ऊपर वाला स्टेप क्या है? आप चौबियार भी नहीं करते थे तब हमने आपको बताया कि आपको चौबियार करना है, आपने मान लिया कि गुरुदेव आप बोलते हैं तो चौबियार करेंगे। बाद में दोबारा दूसरे गुरु भगवंत आए, उन्होंने बोला कि आप चौबियार करते हो,
आपको हरोबियास ना करना चाहिए। आपने वो भी मान लिया कि चलो अब से व्यास ना करूंगा, और व्यास ना करने लगे। फिर नए गुरु भगवंत आए, उन्होंने बोला आपको एकाश ना करना चाहिए। बाद में क्या होगा, नए नए गुरु आते आगे आगे की बात करते हैं, तो जो करना है वो ठीक है। ऐसा नहीं करो, आपको आत्मा का विकास करना है तो हमेशा जहां पहुंचे हैं ना वहां से ऊपर वाला स्टेप याद रख के उसका अभिलाष अंदर में रखने से। ये मजाक का मैं विधान आपके सामने बताता हूं कि आप जहां तक पहुंचे हैं वहां से ऊपर का जो स्टेप है उसको नजर में रखकर उसकी अभिलाषा अंदर में उजागर करने से आपका कर्म का क्षयोपशम होता है और ऊंचे आगे बढ़ने की आपको अंदर में ताकत और संजोग प्राप्त होता है। कहीं पर भी हो, जो एक भी माला नहीं गिनते थे उनको मैंने बोला कि आपको हर रोज एक माला तो गिननी ही चाहिए। अब एक माला गिनने लगे तो मैंने बोला एक नहीं दो गिनना। आपने वो भी मान लिया दो माला गिनूंगा। मैंने थोड़े समय के बाद बोला अब तो दो माला की आदत हो गई, अब पांच माला की। आप बोलोगे महाराज साहब हम तो जितना करते जाएंगे उतना आगे आगे की बात करते रहोगे, तो हमें कहां तक करना, कहां तक करना, हमको वितराग दशा प्राप्त न हो, हमारे सभी कसाय खत्म न हो, वहां तक हमें आगे ही बढ़ते रहना है। धर्म रुचि वाला जीव का ये लक्षण है। हमारे साधु भी जो तीन गाथा करते हैं तो उनको बोलेंगे पांच गाथा का लक्ष्य रखो, पांच गाथा करते हैं तो हम वही बोलेंगे आगे दस गाथा का लक्ष्य रखो, दस गाथा करते हैं तो बोलेंगे बीस गाथा का लक्ष्य रखो, आगे ही बढ़ना है भाग्यशाली। हाँ, एक झटके से दो गाथा करते हो आज से बीस गाथा बोलेंगे तो आप भी नहीं कर पाओगे। तो हम भी धीरे धीरे एक माँ जैसे बच्चा को आगे बढ़ाती है वैसे हम बढ़ाएंगे, मगर लक्ष्य तो वही है ऊंचे चढ़ना है, एक टेप आगे जाके अटक जाना नहीं है। ठीक है, पूजा नहीं करते थे तो अब पूजा करो, पूजा करना शुरू किया तो बोलेंगे अब अष्ट प्रकारी पूजा करो, अष्ट प्रकारी पूजा भी आधे घंटे में निपट जाती है तो बोलेंगे कि अब चैत्य वंदन, और चैत्य वंदन में भी पांच पांच स्तवन बोलना शुरू करो, आगे ही बढ़ना है। तो आज मैं आपके पास ये भाव रखता हूँ और ये आत्मा का विकास का महान मंत्र है, महान मंत्र है कि आप जो भी करते हो उससे आगे वाला स्टेप क्या हो सकता है वो याद रखना, और वो स्टेप को जो करता हूं उसका संतोष मान के अटकना नहीं है, जो कर रहा हूं उसका संतोष मान के हमें अटकना नहीं है। अटकेंगे तो अटक जाओगे, आगे की प्रगति नहीं हो पाएगी, इसलिए अटकना नहीं है। अब इससे आगे वाला स्टेप क्या होता है वो सिर्फ याद रखना और अभिलाष करना। में ऐसी अवस्था, ये धर्म की आराधना कब कर पाऊंगा, भगवान की कृपा हो मुझे यहां से भी आगे बढ़ना है, उतना आपको याद रखना। हमें दीक्षा लिया तो भी पूर्णता नहीं है, अब दीक्षा जीवन में भी ऊंची की साधना कब कैसे हो सकती है वो मेरे को भी हमेशा याद रखना। ऐसा नहीं मानना पर्याप्त हो गया, बस अब तो आचार्य का पद मिल गया, अब तो इतने लोगों के सामने व्याख्यान करने का मुझे आ गया और मेरा इतना गुरु की कृपा भी है, पुण्य भी है, तो लोग मुझे अच्छी तरह से प्रेम से सुनते हैं, बढ़िया हो गया, यहाँ संतोष मानना नहीं है भाग्यशाली। मेरा आगे का स्टेप आचार्य के बाद का ऊपर वाला स्टेप आता है सिद्ध पद का, सिद्ध पद का ये आगे वाला पद है सिद्ध भगवान की अवस्था। जब तक सिद्ध पद नहीं मिला है ना तब तक हम सब अधूरे हैं। छठे गुण स्थानक के बाद भगवान बताते हैं सातवां गुण स्थानक के अप्रमत्त दशा, यानी कि यहाँ आने के बाद भी हमारा वैराग्य, हम निखालस भाव से स्वीकार करते हैं कि हमारा वैराग्य है, कुछ पाया है गुरु ने, करुणा करके यहाँ संयम जीवन का दान दिया और हमको वाचना प्रदान किया, कृपा बरसाया और हमारी आत्मा को उन्होंने जगाया, तो कुछ संसार की मोह माया पिघली है, उसका कोई आज आकर्षण अब नहीं रहा, संसार का भक्तों का भी अब आकर्षण नहीं रहा, मगर जो सूक्ष्म राग तो हमारे में भी पड़ा हुआ, सूक्ष्म राग द्वेष का परिणाम तो हमारे में भी पड़ा, उसको भी मिटाने का वो हमारा आगे का स्टेप है। समझ में आता है भक्त? तो हमेशा आज ये जीवन मंत्र दे रहा हूं, साधना के क्षेत्र में आत्मा का उत्थान के बारे में जो बहने एक भी सामयिक नहीं करते उनको शुरुआत कराएंगे, एक सामयिक करो, दो सामयिक करो, आगे बढ़कर आपको पांच पांच सामयिक करना है, पांच सामयिक करने लगे तो आप हम बोलेंगे दस सामयिक करना है, आपको लगेगा महाराज को कोई संतोष नहीं है।
कितना भी करते तो आगे आगे की ही बात करते हैं, मेरा संतोष के लिए थोड़ा करना। हमें तो जो बता रहा हूँ आपकी आत्मा का उत्थान करने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए सब साधुओं को भी मुझे ये मार्गदर्शन देना है, साध्वी जी भगवंतों को भी वो मार्गदर्शन देना है, श्रावक श्राविकाओं को भी मुझे वो मार्गदर्शन देना है कि आप जो कर रहे हो उससे आगे वाला स्टेप क्या है वो हमेशा याद रखेंगे, उसका अभिलाष अंदर में उजागर करना चाहिए। ठीक है, तो भगवान अरिहंत प्रभु ने हमारी आत्मा को निरोगी बनाकर सभी कर्मों का क्षय करके पूर्ण रूप से आत्म शुद्धि करने का लक्ष्य बनाया। सभी साधक आत्मा को ये चीज हमेशा याद रहनी चाहिए, और ये जो स्मृति वो ही सम्यक दर्शन की पुष्टि है, ये जो स्मृति है वो ही सम्यक दर्शन की पुष्टि है। हर साधक आत्मा को हमेशा अपनी आत्मा का ओरिजिनल जो विशुद्ध स्वरूप है, कर्म के बंधनों से मुक्त ऐसी आत्मा की अवस्था, राग द्वेष मोह माया के विकारों से मुक्त बनी हुई ऐसी अपनी आत्मा की पवित्र जो शुद्ध दशा है वो मेरा ओरिजिनल स्वरूप है। वो ओरिजिनल स्वरूप आज कर्म और विकारों के नीचे लटा हुआ है, सब कर्म और विकारों को मिटाकर मेरा आत्मा का शुद्ध स्वरूप का स्वातंत्र को मुझे प्राप्त करना है। वो अभिलाष जिसके अंदर में सुदृढ़ सुनिश्चित हुआ है, भगवान कहते कि वो आत्मा सम्यक दृष्टि। और जिनको अपनी आत्मा का शुद्ध स्वरूप याद भी नहीं आता है और शुद्ध स्वरूप को उजागर करने का तीव्र अभिलाष जिसके अंतर में पैदा नहीं हुआ है, भगवान कहते वो आत्मा मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि, कितना भी धर्म करो, तप जप दया दान करो, तो भी भगवान कहते हैं कि हम अभी सम्यक दर्शन भी नहीं पाए हैं, हम मिथ्यात्व दशा से घिरे हुए हैं। और जब तक मिथ्यात्व दशा नहीं टूटी ना, तब तक आगे का रास्ता भी नहीं खुलता है। यानी कि आप मानो कि मैंने इतना प्रगति किया, भगवान कहते हैं तेरा भ्रम है, प्रगति तो छोड़ो, प्रवेश भी तेरा धर्म में नहीं हुआ। तेरा प्रगति की बात तो दूर रखो, तेरा धर्म मार्ग में प्रवेश भी नहीं हुआ। इसलिए भगवान कहते हैं कि आपका धर्म मोक्ष मार्ग का हेतु कब बन सकता है? कल की जो बात चलती थी, जो भी करो वो पात्रता के साथ करो, पात्रता के साथ किया हुआ थोड़ा भी धर्म वो आत्मा का उत्थान करता है, बिना पात्रता किया हुआ शुद्ध चारित्र का पालन भी आपकी आत्मा को मोक्ष की ओर एक कदम भी ऊंचे नहीं उठा सकता है। इसलिए हमारे गुरुदेव भद्रंकर सूरी जी दादा ने हमको शुरू से ये सिखाया है, बहुत धर्म करना वो बात ठीक है, अभिलाष रखो, मगर कितना किया उसके पर फोकस नहीं करना है। मैंने जो भी किया है वो पात्रता के अनुसार किया है या बिना पात्रता से मैंने ये धर्म किया है? धर्म की भी पात्रता होना, भोजन भी पात्र होके खाओगे तो पचेगा, यानी कि अंदर से जठराग्नि को प्रदीप्त कर दिया, बाद में आप भोजन खाओगे वो पचेगा और ताकत देगा, और अंदर जठराग्नि मंद है तो भोजन लेने की पात्रता नहीं है, और बिना पात्रता भोजन खाया तो वो अजीर्ण करेगा, बीमार करेगा और मृत्यु की ओर आपको ले जाएगा। यानी कि खाना भी खाना है ना, तो पात्रता चाहिए। भाग्यशाली आपका 5 साल का बच्चा है, मान लो कि आपको थोड़े दिन के लिए बाहर गांव जाना है, तो घर की चाबी तिजोरी की चाबी आप किसको, 5 साल का बच्चा को देके जाओगे ना? आपका है और छोड़ के ही जाना जरूरी है कोई भी कारण से, तो आप वो चाबी किसको दोगे? किसको दोगे ऐसा पूछ रहा हूं। सामने वाला आपका घर का है, जिम्मेदारी वाला। हाँ जिम्मेदारी, हाँ जिम्मेदारी वाला, मगर कौन? घर में छोटा लड़का है कि और कोई नहीं है? किसको लेके जाओ? घर वाली को साथ में लेके जा, कहीं पे रख देंगे, सेफ जगह पे रख देंगे। हाँ, मगर सेफ जगह की चाबी किसको दोगे? सेफ जगह पर वो चाबी को रख दोगे, वो सेफ जगह की चाबी किसको दोगे? तो वो तिजोरी की चाबी छोड़ के जाने का कोई मतलब भी नहीं। अच्छा, मैं आपसे एक बार और पूछ रहा हूँ, चलो अलग ढंग से। आपको 5 लाख रुपया पेमेंट कोई जगह पर कैश पेमेंट करना, कैश पेमेंट करना था, और आप तो जाने वाले नहीं है क्योंकि आप तो इतने बड़े आदमी हो के 5 लाख की कैश खुद लेके थोड़े जाएंगे आपको। तो 5 साल का लड़का या 10 साल का 12 साल का लड़का भी आपका आपके साथ है,
और आपका मैनेजर कहो या आपका कोई नौकर है वो भी आपके साथ है, 5 लाख की कैद के लिए आप किसको भेज? अरे मैनेजर आपका ज्यादा नजदीक का व्यक्ति है या 5 साल का लड़का जो है वो आपका नजदीक का व्यक्ति? आपका नजदीक का व्यक्ति कौन है? परिपक्व नहीं है अभी तक, समझदार नहीं है। समझदारी वो पात्रता है, उनमें समझदारी और ये रुपया संभालने की जो क्षमता वो उनकी पात्रता है। पात्रता है तो 5 लाख भले वो अपना व्यक्ति नहीं है, मैनेजर पराई व्यक्ति है, ऐसे मेरा घर का लड़का नहीं है, फिर भी 5 लाख उनके हाथ में जैसे है। खुद का लड़का ज्यादा प्यारा या मैनेजर ज्यादा प्यारा? खुद का लड़का ज्यादा प्यारा, फिर भी 5 लाख रुपया हाथ में देना है तो किसको दे? क्यों? मैनेजर तो पराई व्यक्ति है, ये लड़का तो अपना है, मैच्योर नहीं है। मैच्योर नहीं है उसका मतलब ये कि ये 5 लाख रुपया संभालने की पात्रता नहीं। ठीक है, तो हर जगह पर पात्रता की ही महिमा है। पात्रता के साथ एक नवकार मंत्र गिना ना, वो आपकी आत्मा को पावन करता है। पात्रता के साथ एक नवकार मंत्र गिना तो वो आपकी आत्मा को पात्र बनाता है, पवित्र करता है। और बिना पात्रता लाख नवकार मंत्र गिना न तो भी वो आपकी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए बहुत धर्म करो, वो उपदेश अभी नहीं दे रहा, अभी वो बोलना है कि जितना भी कर रहे हो उसकी पात्रता अंदर में पैदा। जिन शासन कल की जो बात चल रही थी ना, समानतावाद, एक मिनट, समानतावाद की जो बात चल रही थी, हमारे जिन शासन को समानतावाद के सामने हमारे भगवान ने पात्रतावाद का सिद्धांत दिया है, समानतावाद के सामने हमारे भगवंत ने पात्रतावाद को पात्रतावाद का सिद्धांत दिया है। बोलिए, आपकी जो भी लाइफस्टाइल है उसमें भौतिक चीजें और इसके नीचे को मिडिल क्लास घरों की हालत ऐसी है कि घर के हर सदस्य को कमाने पड़ता है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, उसके बिना गुजारा मुश्किल हो गया। अच्छा ठीक है, बात वो है कि हमारी महिला को भी सर्विस करने के लिए बाहर जाने की मजबूरी। ठीक है, सबसे पहले तो एक बात ये तय करो, शायद हमारी लड़की बाहर जाएगी तो भी मजबूरी से जाएगी, पसंदगी से नहीं जाएगी, तो वो खुद की मजबूरी मान के जाएगी, उसका गौरव कभी नहीं लेगी, इसको अच्छा कभी भी नहीं गिनाएगी। बोलो, इतना कर सकते हैं? आप लोग तो क्या करते हो, खुद का जीवन को बिगड़ा है और बहुत सारे लोगों का जीवन आपकी जीव से आप बिगाड़ रहे हो। कोई नहीं, आपकी मजबूरी हो सकता है, आपकी मजबूरी है, आपको नौकरी करनी पड़ती है, ठीक है, अब करो, आप क्या करना आगे का अभी ठीक है करो। मगर दूसरी जो लड़कियां पढ़ रही है जिनको घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी लड़की का दिमाग को तो खराब मत करो। समझ में आता है मैं क्या बोल रहा हूं? बाकी सारी दब जाइए, एक बार सब दब जाइए, चलो जल्दी से दब जाइए पुण्यशाली। अब बहनों भी दब जाइए, आपके लिए स्पेशल निवेदन की जरूरत नहीं रहेगी मुझे लग रहा। जमाने के साथ साथ भी चलना पड़ता है, आज का जमाने में चलना पड़े हमें भी चलना पड़ता है। हमारे पूर्व के समय में हमारे वहां जिंसासन में मर्यादा वो थी, साधु का प्रतिक्रमण हमेशा अलग होता और श्रावक का प्रतिक्रमण अलग होता। हमारी जिंसासन की ओरिजिनल भगवान की आज्ञा, भगवान की आज्ञा क्या है और आराधकता क्या है ना, उसमें शास्त्र क्या कहते हैं ना, वो सब बातें आगे कभी करूंगा। शास्त्र में क्या लिखा है, शास्त्र में भगवान ने क्या बताया है प्रतिक्रमण साधु को? अरे आपका और हमारा टाइम भी अलग, तो साथ में तो कैसे होगा? आप लोगों का प्रतिक्रमण का टाइम कैसा होता है जानते हो? जानते हो आप लोगों का प्रतिक्रमण का टाइम कैसे होता है? सूर्यास्त के समय एक्सेट, जब सूर्य आधा डूबे, उसमें भी कहां तक भगवान ने सूक्ष्मता से बताया, सूर्य जब आधा डूबे, आधा डूबा आधा डूबने का बात, उस टाइम आपका वंदित्व, आपका प्रतिक्रमण का वो टाइम। हमारा प्रतिक्रमण का टाइम भगवान ने क्या बताया है? सूर्यास्त के समय हमें मांडला करने का, जो औषध वगैरह करते हैं उनको पता होगा मांडला क्या चीज है,
प्रतिक्रमण से पहले मांडला करने की विधि होती है। तो जब सूर्यास्त हो उस टाइम हमारा तो मांडला आएगा, आपका तो वंदित आ जाएगा, तो हमारा और आपका प्रतिक्रमण का टाइम ही अलग है, तो साथ में करने का तो प्रश्न ही कहां पैदा होता है। भगवान ने क्या बताया, शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं बाकी शैली अलग कर। हाँ, शास्त्र कहते हैं कि साधु की मांडली अलग, श्रावकों की मांडली अलग। साधु को प्रतिक्रमण अलग टाइम पे अलग से करना होता है, श्रावक को प्रतिक्रमण अलग टाइम पे अलग करना होता है। ये किसकी आज्ञा है, किसकी आज्ञा है, शास्त्र की आज्ञा। तो अब जो लोग ऐसा कहते हैं कि शास्त्र के आधार पर ही चलना चाहिए, तो उन लोगों के लिए क्या होगा, वो श्रावक संघ के साथ प्रतिक्रमण करेगा ना, तो वो विराधक होगा, विराधक होगा ही होगा, वो श्रावक संघ के साथ प्रतिक्रमण करेगा, क्योंकि उनकी आस्था वो है कि शास्त्र के अनुसार करना। फिर भी शास्त्र के अनुसार तो वो करता नहीं है, तो मैं शास्त्र के अनुसार करता हूं वैसा वो दावा भी नहीं कर पाएगा, और उनको हमेशा गिल्टी फील होनी चाहिए, मैं गलत कर रहा हूं। और फिर भी गलत करता रहेगा तो उनको कर्मबंध होगा, होने वाला ही है। उनकी आत्मा अंदर से एक दिन भगवान की आज्ञा से विरुद्ध करेगा, दो दिन भगवान की आज्ञा विरुद्ध करेगा, 5-15 दिन महीना तक भगवान की आज्ञा के विरुद्ध करेगा, 6 महीना तक भगवान की आज्ञा के विरुद्ध करेगा, तो हृदय निष्ठुर हो जाएगा। अभी जब मैं तो सभी साहु सारी का साधु भगवान साधु जी का सभी अलग लेट नहीं होता है। अभी क्या करते हैं कि चर्चा नहीं करता हूँ, शास्त्र की मर्यादा क्या है वो बात चल रही है। वो तो गीतांत भगवान ने चेंज किया हुआ है। अच्छा, तो गीतांत भगवान चेंज करे, उनको लाभालाभ नजर में आए, तो वो शास्त्रों में न भी लिखा हो या शास्त्रों में लिखा हो उससे विपरीत भी क्या गीतांत गुरु भगवान कर सकते है। आवाज नहीं है, यहाँ से पास में से आवाज आ रही है। गुरु भगवान शास्त्रों में लिखा उससे विपरीत परंपरा को प्रचलित कर सकते हैं? तो शास्त्र में न भी लिखा हो मगर गीतार्थ गुरु को जो कल्याणकारी उचित वो सब करने की भगवान की आज्ञा है। समझ में आता है? सर ये तो एक टेंपरेरी प्रासंगिक बात निकल गई, तो आपको ये उदाहरण दे दिया। हमारी बात वो चल रही थी कि शायद बहनों को मजबूरी से नौकरी वगैरह करना पड़े, ये मजबूरी भी हमने खड़ी की, ये मजबूरी भी हमने लोगों ने ही खड़ी की है। हमारे संकुचित मनोवृत्तियों की वजह से आपको 4 भाई साथ में रहे, देरानी जेठानी को शायद ससुर जी से ज्यादा सम्मान मिल जाए, ज्यादा उनको अनुकूलता प्राप्त हो जाए, आपको आपसे सहन नहीं हो सकता था, इसलिए आप विभक्त हो गए। इसलिए आपको आर्थिक कटौती महसूस होने लगी, वो आर्थिक कटौती महसूस होने की वजह से आपको नौकरी के लिए जाना पड़ा। वो सब चक्कर चला हुआ है, यह चक्कर की शुरुआत किसने किया, यह चक्कर की शुरुआत किसने किया, आपने ही किया है। बाद में आप बोलो हमारी मजबूरी है, मैं कहता हूं आपकी मजबूरी नहीं है, यह आपने सामने से मजबूरी का मंडार आपने ही किया है। जमता है भारत की सबसे बड़ी कंपनी अदानी, सब जॉइंट फैमिली इसलिए अदानी बन गए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो संयुक्त में रहते हैं, उनके जीवन में सेफ्टी होती है। मुझे तो लग रहा है कि आपको वो भी चिंता नहीं होती, आप बूढ़े होंगे, बूढ़े होंगे या नहीं होंगे? अच्छा, बूढ़े होंगे, घर का काम आप नहीं कर पाओगे, दुकान का काम आप नहीं कर पाओगे। और आज का तो ट्रेंड है कि लड़का, वो लड़का भी नादान पका, वो परिपक्व नहीं हुआ, तो आपकी वृद्धावस्था में हालत क्या होगी, संकुचित। आप सभी को बोल रहा हूँ, पुण्यशाली भाइयों हो या बहनों हो, आप सभी को बोल रहा हूँ कि संकुचित मनोवृत्तियां से, अभी मेरी सासू जी है ना, मेरी देरानी को ज्यादा प्रेम करती है, मुझे प्रेम नहीं देती है, बस इतनी ही बात, इतने से झगड़ा शुरू होता है, वो झगड़ा वहां तक पहुंचता है, मुझे यहाँ नहीं जमेगा, अपन को तो स्वतंत्रता चाहिए। हाँ, वही होता है ना, मैं क्या आपको धर्म सिखाऊं या संसार कैसे जीना वो सिखाऊं? मगर आपने पहले बोला ना, जिनको संसार भी जीने का नहीं आता है वो धर्म कैसे करेगा, इसलिए संसार में भी सही मंगलकारी जीवन व्यवस्था वो भी आपको सिखाना आज की हमारी मजबूरी है। ये
मेरा ये कहना है कि आप लोग बहुत सारे, मैं तो कहता हूँ आपने तो गलती कर लिया है, मगर आपके बच्चे बच्ची आपको आप समझाओ कि हमने जो गलती कर लिया आप वो गलती मत करना। तो मेरा यह कहना है कि संकुचित मनोवृत्तियां, बस देवरानी का सम्मान ज्यादा हो रहा है, सासू जी उनको ज्यादा प्रेम देते हैं, पैसा कभी वापरने के लिए देना होता है या तो साड़ी वगैरह बांटना होता है तो भेदभाव रखते हैं, ये आपकी मनोवृत्तियां, ऐसा ही कोई कारण होता है या उससे अलावा कुछ होता है? ज्यादातर ऐसा ऐसे कारणों की वजह से फिलहाल में आपका मन को जो संक्लेश हो रहा है उससे छुटकारा पाने के लिए आप कितनी भयानक गलती का रास्ता पसंद कर देते हैं। विभक्त हो, अब विभक्त हो जाओगे, घर दो होगा, किचन दो होंगे तो खर्चा भी ज्यादा बढ़ेगा, और पहले तो दो भाई संयुक्त थे ना तो एक दूसरे के सहयोग से व्यापार को भी बढ़ा सकते थे, अब दोनों अकेले हो गए, बिखर गए तो धंधा को भी साहस ज्यादा बढ़ा नहीं कर सकते हैं, ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, उस वजह से आवक में कमी रहती है, वो कमी को मिटाने के लिए घर की शायद श्राविका हो या लड़की को भी नौकरी करने के लिए भेजना पड़ता है, और वो लड़की महिला वो जो बाहर जहां पर जाती है वहां जाके उनकी सेफ्टी का बहुत बड़ा प्रश्न पैदा हो जाता है, वो उनकी सेफ्टी का प्रश्न के साथ साथ आपके मन में भी बहुत सारी शंका कुशंका के कीड़े पैदा होते हैं, वो शंका कुशंका के कीड़ों की वजह से पहले तो सासू बहू के साथ झगड़ा होता था, अब आदमी का स्वभाव तो है झगड़ने के बिना तो वो रह नहीं सकता है, अब घर में सासू नहीं है तो किसके साथ झगड़ेगा, आपके साथ झगड़ा शुरू हो जाएगा, यह वास्तविक सत्य बोलता हूं, किसी को मेरी बात न जमे तो आप मेरे सामने आपका अनुभव, मैंने अनुभव नहीं किया, हमारे तो साध्वी जी महाराज भी इतने समर्पित होते हैं, मैंने बोला आपको उधर चमाशा करने के लिए जाना है तो तहत कभी भी वो अपनी दलीलें बीच में नहीं लाएंगे, इतने समर्पित साधु साध्वी जी हमारे, तो ऐसा झगड़ा कैसे होता है हमको तो पता ही नहीं चलता है, तो आप बताइए कि आपके घर में झगड़े किस वजह से होते, किस वजह से होते? तो मैं कहता हूं ये मूर्खता है, आपने लंबी सोचा नहीं है, इसलिए अभी फिलहाल में थोड़ा प्रॉब्लम आया तो बस उसका रास्ता निकालो, आप लोगों की ये मानसिकता है अभी फिलहाल में जो मजा नहीं आता है संक्रेश हो रहा है उसका रास्ता निकालो, वो ही उससे ज्यादा आपके पास सोच ही नहीं है, आगे जाकर नए क्या क्या प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं वो सोचना तो चाहिए ना। मैं कहता हूं कि आप बुढ़े हो गए उस वक्त आपकी सेवा कौन करेगा, आप बीमार पड़े आपको कौन संभालेगा, आप लोगों की नौकर चाकर के लिए भी पगार देना पड़ता है, पगार देने की राशि घर पे है या नहीं है, नौकर चाकर को भी पगार चुकाना पड़ता है, ऐसे मुफ्त में सेवा करेगा वो पगार आपका घर का खर्चा निकालने का भी आज के जमाने में मुश्किल हो, आप भले बड़े पुण्यशाली है जयनगर वाले मगर पूरा दुनिया तो ऐसी पुण्यशाली नहीं है, और आपका भी पुण्य कितने समय तक चलेगा किसको पता। तो मैं कहता हूं कि आप गंभीर गलतियां कर रहे हो, मुझे तो लग रहा है कि आपके घर में कोई बुजुर्ग थे या नहीं थे, बुजुर्ग का काम क्या होता है, बुजुर्ग का काम यह होता है कि नई पीढ़ी जो अभी फिलहाल जो मन को पसंद आता है उसके तरफ खींचती है, बुजुर्ग का काम क्या होता है वो बता रहा हूं, नई पीढ़ी उनके पास लंबी सोच और लंबे अनुभव नहीं होते हैं, तो उस समय पे जो नई पीढ़ी क्षणिक आकर्षणों में खींच रही है ना और जिस दिशा में वो आगे बढ़ रही है वहां आगे कितना खतरा है, आगे कितने भयंकर प्रॉब्लम्स खड़े होने की संभावना है, वो सब उनको सिखाकर उनको थोड़ा स्थिर करे, उनको आकर्षण से हटाकर समझदार बनाए, उनको भविष्य दिखने की दृष्टि का प्रदान करे, वो बुजुर्ग का काम होता है। बाकी बुजुर्गों को आजकल की बाहर की दुनिया का मालूम नहीं है, पुराने ख्याल के वो आपका भ्रम है। हमारे बुजुर्ग जब ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई ना उससे पहले ही परिपक्व हो चुके हैं कि आकर्षण में फंसने जैसा नहीं है, फंसेंगे तो मर जाएंगे, इसलिए आपकी संकुचित मनोवृत्ति की वजह से आप नहीं समझ सकते, मगर उनके पास लंबी सोच है इसलिए ही वो आपको अटकाते हैं, नहीं तो आप बहुत प्यारे हैं या नहीं, आपके पापा के बड़े प्यारे हैं या नहीं है, आपके पापा के बड़े प्यारे हैं और आपको खुशी मिलती होगी तो कोई पापा का दिल जलेगा, आपको खुशी मिलती है तो कोई पापा का दिल क्या जलेगा, फिर भी पापा आपको अटकाने की कोशिश क्यों करते हैं, वो ही बताता है कि उनके पास पक्की समझदारी है। चलिए पंकेश्वरी, तो बात वो थी
कि शायद नौकरी करनी पड़ती है। मैं कहता हूँ कि ये मजबूरी आपके सिर पर कर्म से नहीं आई है, आपने अज्ञान से इस परिस्थिति का निर्माण कर लिया। एजुकेशन महंगा हो गया है, इसलिए सब एजुकेशन बच्चों को तो पढ़ाना पड़ेगा ना, उसके लिए अपने को परिवार में नौकरी करनी पड़ेगी। मेरा स्टेटमेंट आप सुनोगे ना तो हिल जाओ। मैं कहता हूं आज का देश की बर्बादी का, आज का देश की बर्बादी का मूल कहां छुपा है आप जानते हैं? मैं कहता हूं आज का एजुकेशन ने ही हमारे देश को खत्म कर दिया। हाँ, आज का एजुकेशन, इसका भी एक घंटा चले ना उतना विस्तृत विवेचन मेरे पास है। आज का एजुकेशन की वजह से ही महंगाई बढ़ी ना। किस वजह से महंगाई बढ़ी है? गरीबी जो बढ़ी है, बेकारी बढ़ी है, वो बेकारी किस वजह से बढ़ी हुई है? पुण्यशाली बोलो ना, आप तो बहुत अनुभवी है। मैं कहता हूं एजुकेशन ने ही गरीबी को बढ़ाया, मैं कहता हूं एजुकेशन ने ही महंगाई को बढ़ाया है। आज भ्रष्टाचार चला है, एजुकेशन ने ही भ्रष्टाचार फैलाया है। आज आतंकवाद बढ़ा है, मैं कहता हूं एजुकेशन ने ही आतंकवाद बढ़ाया है। आज दुराचार फैला है, मैं कहता हूं एजुकेशन ने ही दुराचार फैलाया है। आज लोगों में स्वतंत्रता की बुद्धि से जो झगड़े बढ़े है वो भी एजुकेशन ने ही बढ़ाया है। आज के बच्चे बाप बुजुर्ग को, वृद्ध की सेवा करने का नहीं चाहते है, वो भी एजुकेशन नहीं परिस्थिति का निर्माण किया है। जिस जितनी भी बदिया है वो सब बदिया का मूल एजुकेशन है। बोलो, आप मेरे सामने आ जाइए। आप नेगेटिव ही देख रहे हो, पॉजिटिव में तरक्की कितना हुआ? ठीक है भाई, वो गाड़ाओं की बात की थी ना मैंने, हॉस्पिटल में 1000 पागल थे और 10 डॉक्टर ने बोला यह चंदा नहीं है, सूरज है। हजार पागल लकड़े और पत्थर लेके वो 10 डॉक्टर को मारने लगे। डॉक्टरों ने भी मिलके तय कर दिया कि अब तो आपको अपन को भी कबूल करना पड़ेगा कि चंदा है। आप मेरी मजबूरी है, आप इतने पागल लोग मिले हैं और आप मुझे बोलोगे कि ड्यूटी वाले मुझे करना क्या पड़े? नहीं नहीं, बिल्कुल आप मुझे समझाइए, एजुकेशन से कितना फायदा होता है आप लोगों को। मैं एक विषय देता हूँ, निबंध को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऐसे। आप सभी को एक काम देता हूँ, आप एक ऐसे लिख के आइए, ऐसे निबंध, हमारे गुजराती में निबंध बोलते हैं, निबंध लिख के आइए एजुकेशन के कितने कितने फायदे। मैं एक निबंध लिखू, एजुकेशन का कितना कितना नुकसान। चलो उस विषय पे चलना है आज थोड़ा। भाग्यशाली, मेरा सवाल यह है कि आज एजुकेशन में कितनी उम्र से बच्चे पढ़ते हैं, शुरू होता है? ठीक है, फिर भी हम थोड़े आगे चलिए, 5 साल के बच्चे पहली कक्षा में आते हैं, कितनी उम्र में आते हैं पहली कक्षा? 5 साल। अच्छा, पूरे भारत देश का हम कैलकुलेशन करेंगे, पूरे भारत देश का कैलकुलेशन करेंगे, पूरे भारत देश में पहली कक्षा में पढ़ाई करने के लिए एंट्री लेने वाले हर साल कितने बच्चे होंगे, एक अंदाज बना। 20 लाख। 140 करोड़ की जनसंख्या है, क्यों नहीं 1 करोड़ पक्के होंगे? क्योंकि 140 करोड़ की जनसंख्या है और हर साल कितनी जनसंख्या बढ़ रही है? हर साल आपसे कितने साल पहले 1 अबज थे, कितने साल पहले 1 अबज थे और कितने साल में और 40 करोड़ नए ऐड हो गए? 40 करोड़ लोग पैदा हुए, उसका मतलब ये हुआ 40 से भी ज्यादा हुआ, क्योंकि 40 साल में 30 साल में जो ऊपर चले गए वो तो बाद हो गए। इसलिए हकीकत में मानो तो 30 साल में शायद 50 करोड़ नए पैदा हुए होंगे अंदाज, फिर भी पक्का आंकड़ा के साथ निस्बत भी नहीं है, मुझे तो आपको विजन देना। मान लो कि 30 साल में कितने बच्चे नए पैदा हुए? 50 करोड़ पैदा हुए अंदाज। तो 50 करोड़ 30 साल में पैदा हुए तो हर साल भर में कितने पैदा हुए? 1 करोड़ से ज्यादा, फिर भी हम गिनेंगे 1 करोड़। तो 1 करोड़ बच्चे हर साल पांचवी उम्र की पांचवी साल में एंट्री लेते हैं। 1 करोड़ बच्चे हर साल उम्र की पांचवी साल में एंट्री लेते हैं और 5 साल की उम्र वाला बच्चा वो स्कूल में पहली कक्षा में पढ़ाई करता है। ठीक है ना?
अच्छा चलिए अब आगे चलिए। पांचवी कक्षा में जो 1 करोड़ बच्चे स्कूल में पढ़ना शुरू करते हैं, दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे कितने हर साल दसवीं में एंट्री लगाने वाले, जो 1 करोड़ ने एंट्री लिया वो सब दसवीं कक्षा तक पढ़ते ही है? नहीं। जो 1 करोड़ बच्चों ने पहली कक्षा में एंट्री लिया वो 1 करोड़ बच्चे दसवीं कक्षा तक पढ़ेंगे ही? कितने पढ़ने वाले? एक बात कहूं, आप सिटी विस्तार में रहते हैं और आप सब सज्जन समझदार पुण्यशाली परिवार से आप आ रहे हैं ना, तो आपके बच्चे ज्यादातर पढ़ेंगे। छोटे छोटे गांवों में पढ़ने वाले बच्चों को आप तपास करो, आपको पता चलेगा चौथी पांचवी छठी कक्षा तक आते आते तक तो कितने बच्चे हाफ जाते हैं, अपनी भाषा में कहो हाफ जाते हैं, यानी पढ़ने का छोड़ देते हैं। तो दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले कितने होंगे, अंदाज लगाइए, अंदाज आपको जो आंकड़ा लगा रहे चलेगा, मुझे 70 लाख मानो कल्पना, मुझे भी पता नहीं 70, यानी कि पहली कक्षा में एंट्री लेने वाले 1 करोड़ थे, उसमें से दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले करीबन 70 लाख, हाँ 70 लाख बोला मैंने, और उसमें से 12वीं कक्षा में पास होने वाले कितने, 50% कर लो ना, यानी 50 लाख, और उसमें से डिग्री कॉलेज करके क्या बोलते हैं, कॉलेज पास किया उसको क्या बोलते हैं, ग्रेजुएट होने वाले कितने, 30-25 जो भी हो 30 लाख। अच्छा 1 करोड़ में से 30 लाख तक आ गया। अच्छा मेरा सवाल ये है, ग्रेजुएट पास हो गया हो वैसे लोगों को नौकरी कितनी मिलती है? 10% 10% 10%, यानी कि 30 लाख में से 10%, 30 लाख में से 10% ना, यानी कि 3 लाख तक, और वो जो 3 लाख लोगों को पगार मिलेगा वो हाईफाई मिलेगा ना, 3 लाख लोगों को जो पगार मिलेगा वो तो हाईफाई 50 लाख से ऊपर ही होगा ना साल भर का, तो कितना होगा? 15,000 और आगे बढ़ेंगे 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 बढ़ेंगे, तो एवरेज 3 लाख लोगों को ध्यान में रखकर जवाब दीजिए, आगे बढ़ेंगे 5-10 साल में वो पगार कितना होगा? 25-30 हजार। ठीक है, आप सुनिए, ध्यान रखिए, मैंने जो स्टेटमेंट दिया है ना कि पूरा देश एजुकेशन की वजह से ही बर्बाद हो रहा है, वो मैं पुरवार कर रहा हूँ अभी लॉजिक से। 1 करोड़ में से ग्रेजुएट होने वाले 3 लाख, 1 करोड़ में से, ठीक है ना। अब 3 लाख में भी पगार सभी को नौकरी मिलती है वैसी कोई गारंटी नहीं है, जितने लोगों को भी मिलेगी उनको 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, और जो 97 लाख बाकी रहे उन लोगों की हालत के बारे में आपने कभी दिखा है, सोचा है या नहीं सोचा है? 97 लाख लोग जो बाकी रहे, 1 करोड़ में से 3 लाख ग्रेजुएट हुए हैं, 97 लाख जो बाकी रहे उनके जीवन की हालत क्या है आप जानते हैं, कभी सोचा है? मैं कहता हूं कि ये एजुकेशन ने हमारे 97 लाख लोगों को बर्बाद कर दिया, क्योंकि जो ये एजुकेशन का हा? जब एडवर्टाइज आती थी ना, पढ़ो और जीवन में आगे बढ़ो, पढ़ोगे तो नौकरी अच्छी मिलेगी, अच्छा पगार वाली नौकरी मिलेगी, पढ़ोगे ना तो जीवन में आप आगे आओगे, वही सूत्र सिखाया था ना, उस वजह से हमारी नई पीढ़ी लालच में फंस गई, जीवन का अभ्युदय करना है ना, पापा के साथ खेती करेंगे तो क्या मिलेगा, हमारे पापा सुथारी काम लुहारी काम कुम्हारी काम करते थे, वो तो जिंदगी भर मजदूरी करना है क्या मिलेगा, और पढ़ेंगे ना तो अच्छी नौकरी मिलेगी, वैसी आशा से उन लोगों ने अपने बाप दादा का धंधा को साइड में छोड़कर उन्होंने पढ़ने में झंपलाया था, पढ़ने के लिए लग गए, मगर आज वो 97 लाख लोगों की हालत क्या, जो ये ऊपर बैठे हुए लोगों ने ऐसी लालच नहीं बताई होती ना, तो आराम से वो बच्चा 5-7 का 8 साल का जब से हुआ तब से पापा के साथ बाजार में जाते जाते जो वो पापा के धंधा में मशहूर हो जाता, ठीक है, तो आज अब तो हालत वो होगी, ये बच्चा जो किसान का लड़का था, वो जो किसान का लड़का था, वो किसान का लड़का 5 साल की उम्र से आज के जमाने में 2.5 साल की उम्र से स्कूल में पढ़ने लगा, और 12-14 साल तक तो थक गया, 15 साल की उम्र में 10वीं कक्षा में, और सामान्य रूप से हमारी वणिक कौम को, हमारी
वणिक कौन जो है, व्यापारी लोग है, जो जैन समाज है, हमारे पर तो देवादिदेव भगवान की परम करुणा और उनका वरदान है कि हमारे बच्चे सामान्य रूप से ही समझदार बुद्धिशाली बुद्धि धन लेके आते हैं, वो हमारा जैन समाज का भगवान की कृपा है। मगर ओवरऑल सब लोगों में इतनी टैलेंट नहीं होती है, तो वो किसान का बच्चा 15 साल का हुआ, 10वीं कक्षा तक तो थक गया, 10वीं कक्षा तक तो थक गया, अब दिमाग नहीं चलता है, पढ़ने के लिए मन अब नहीं रहा है, अब उनकी हालत क्या होगी? अब पापा के साथ किस खेती में जुड़ जाएगा? पापा के साथ खेती करने में वो जुड़ जाएगा? अब उनकी हालत वो होगी, अब ऐसे भी कंटाला आएगा, आलस आएगी। 15 साल की उम्र तक जिसमें हमने कदम नहीं रखा है, वो नौकरी वो खेती करना अब उनको शारीरिक रूप से भी नहीं जमेगा और समाज में भी नानम महसूस होगी। मैं तो पढ़ा लिखा लड़का हूँ, मैं खेती करूँ तो कैसा लगूंगा? उस वजह से न तो वो खेती से अपना जीवन का गुजारा कर सकता है, न तो आगे की डिग्री पाकर जीवन का उत्थान कर सकता है, दोनों के बीच में वो लटक गया। किस वजह से लटक गया बताइए? एजुकेशन की वजह से वो लटक गया, ऐसा मेरा दावा है। भाग्यशाली आप मुझे थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिए कि आपको मेरी बात जम रही है या नहीं जम रही है। हाथ तो खड़ा कर दो, मुझे पता चलेगा आपको जमता या नहीं जमता। पीछे वाले आज अच्छे जमते, आगे वाले एक को भी नहीं जमता। आप बोलते ना पीछे वाले, पीछे वाले चलो आगे वालों का इशारा कर लो, क्या लग रहा है? और मैं एक बात समझना, मेरे गुरुदेव ने सिखाया है हमारी कोई भी बात निखालस भाव से सभा के सामने रखना। मैं थोपने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं मेरा विजन देता हूँ। आपको जमे तो ही आपको हाँ बोलना है, न जमे तो मेरे सामने बहस भी आप करो तो मुझे मजा आएगा। मैं कहता हूँ ये तो बेकारी की बात, बेकारी किस वजह से बनी है भाग्यशाली? बेकारी किस वजह से बनी बड़ी है? एजुकेशन। मेरा दावा है एजुकेशन की वजह से बेकारी बढ़ी, मेंदवारी किस वजह से बढ़ी? आप जानते हैं हमारे मिट्टी के साधु मिट्टी का माटला का यूज करते हैं, फ्रिज हम यूज नहीं करते, आप जानते हैं ना? नई पीढ़ी को तो वो भी सिखाना पड़ेगा कि भाई साधु है, फ्रिज से आए, फ्रिज का यूज नहीं करते, हम मिट्टी के घड़े का यूज करते हैं। भाग्यशाली हमारे साधुओं की दुनिया में आज अहमदाबादी घड़े फेमस होता है। उसका कारण यह है कि साधु को विहार करना होता है, विहार के दौरान मिट्टी का घड़ा हल्का हो तो वो लंबे किलो 10-15 किलोमीटर तक भर के लेके जा सकते हैं। तो मिट्टी का घड़ा हमारे वहाँ अहमदाबादी मिट्टी के घड़े फेमस है। वो अहमदाबादी मिट्टी के एक घड़े का भाव आज क्या है आप जानते हैं? 200-250 एक घड़े का, 350 तक बोलते हैं, जो भी 250-300 मिट्टी का एक घड़ा की बात। मिट्टी का एक घड़ा 300 रुपये में मिलता है। हमारे जो साधु सावधान नहीं, सावधान भैया सावधान लोग इतनी भक्ति करते हैं, हम तो बेदरकार घड़ा क्या दीवार के साथ टकरा गया, फूट गया तो फूट गया, ऐसा नहीं चलता। ये लोग इतनी भक्ति करते हैं तो हमें भी संभालने की हमारी जिम्मेदारी है। नहीं सच में ये उनको भी सिखाना है, उनका भी जीवन का घड़तन मुझे करना है, अभी मौका मिला तो बता दिए। तो भाग्यशाली मेरी बात यह है कि मिट्टी का घड़ा आज मुझे याद है, जब मैंने दीक्षा लिया ना 40 साल पहले, वो अहमदाबादी मिट्टी का घड़ा करीबन 10-15 रुपये में आता था, एक घड़ा 15 रुपये में मिल जाता था, आज 300 रुपये में वो एक घड़ा मिलता है। इतनी महंगाई क्यों बनी? बनाने वाले ने, यानी के कुंभार ने, इसको हमारे वहाँ कुंभार कहते हैं, कुंभार ने बच्चे को पैदा ही नहीं किया था। बनाने वाले नहीं है तो क्या कुंभार ने बच्चे को पैदा नहीं किया था? बनाने का पैदा किया था। अच्छा, जो बच्चा को पैदा किया ना, वो बच्चा एजुकेशन के आकर्षण में फंस गया और एजुकेशन की लाइन में चला गया। बहुत सारे हजारों कुंभार के लड़कों ने अपने पापा का ये वारिश में आया हुआ व्यापार को छोड़ दिया और सब एजुकेशन में लग गए। तो इसलिए घड़ा बनाने वाला कोई रहा नहीं, घड़ा बनाने वाला कोई नहीं रहा। इसलिए जो लोग थोड़े लोग बच्चे थे उनको लगा कि हमारी मोनोपोली है, जो चाहो वो भाव मिल सकता है, तो उन्होंने घड़े का भाव बढ़ाते रहे। एक घड़े का आज 300 रुपया तक पहुंच गया मेंगवारी। वो मेंगवारी का मूल कहाँ छुपा हुआ है? ये जो एजुकेशन का आकर्षण नहीं होता ना, तो आज इतनी मेंगवारी नहीं। अरे मैं तो कहता हूँ ठीक है, एजुकेशन से वो बच्चे का भला होने वाला है तो मेंगवारी बढ़कर भी आप
एजुकेशन बढ़ाते रहो, मगर मुझे लग रहा है वो बच्चा न तो वारसागत अपने पापा का घड़ा की घड़े की घड़ाई करने का काम भी अब तो नहीं सीख पाएगा और एजुकेशन में भी वो सफल नहीं हो पाएगा। दोनों जगह से वो भटक गया तो उनका भी जीवन बर्बाद और बेगुआरी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये तो एक उदाहरण दिया। हर चीज में कोई भी प्रकार का आपका मकान का काम करना है, कारपेंटर आएगा वो भी महंगा क्यों हो गया, उनको भी पता है कि आज के जमाने में काम करने वालों की शॉर्टेज है, तो उस शॉर्टेज का हम भी फायदा उठाएंगे। तो शॉर्टेज किस वजह से हुई, किसी को कुछ पूछना है या आगे चल? यदि लोग पढ़ेंगे नहीं तो उनको क्या मिलेगा, अशिक्षित है कोई कदर नहीं होती। अरे उनकी ही कदर होगी। आज मैं कहता हूँ, पहला आपका टॉयलेट साफ करने वाला है ना, वो भी मुंह मांगा पैसा मांगता है और देना पड़ता है। अशिक्षित वाली बात छोड़ो, उसकी जो कीमत है ना, उनकी दाढ़ी में आपको हाथ डालना पड़ता है, उतनी उनकी कीमत है भाग्य। और वो तो आप मूर्ख लोगों ने शिक्षण का महिमा बढ़ा दिया है, इसलिए यह हालत पैदा हुई है, क्योंकि आपके पास एक ही दिशा में नजर थी, पूरी दुनिया के वैविध्य दिखने की दृष्टि भी आप लोगों ने गमा दिया है। दुनिया का वैविध्य की, ओ कुंभार का घड़ा बनने वाला अच्छा घड़ा बनाते हैं, वो जो अच्छा 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 ठीक है। अब मैं पूछूं कि आपकी कीमत कितनी है, आप कितने जो बोला ना आगे वाले तो 10वीं 12वीं कक्षा तक पढ़ के छोड़ दिया और व्यापार में लग गए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाया और वो व्यापार में आगे बढ़ गए। आपका लड़का जितना पढ़ा है उतना पढ़े है, आपका लड़का जितना पढ़ा है उतना पढ़े, फिर भी समाज में बाजार में कीमत उनकी ज्यादा है आपकी ज्यादा है? बड़े व्यापारी के रूप में लोग सलाम आपको करते हैं, उनको करते हैं? उनको तो नौकरी करना पड़ता है, वो उनका शिक्षण का महिमा है। वो इतना शिक्षण पाने के बाद नौकर कहा जाएगा, वो इतना शिक्षण करने के बाद भी जॉब करता है नौकर कहा जाएगा? आप बड़े व्यापारी कहलाओगे। पढ़े लिखे हुए लोगों की कीमत है या पुण्य की और संस्कार की कीमत है? लड़की लड़की नहीं मिलती लड़की को लड़का नहीं मिलता या लड़का को लड़की नहीं मिलती? वो भी मूर्ख है। सच में मैं कोई अद्धर ताल हवा में मेरा स्टेटमेंट नहीं देता हूं, एक एक स्टेटमेंट के पीछे मेरे पास लॉजिक। आपको पता है लड़का कैसी लड़की को पसंद करेगा, पढ़ी लिखी या अनपढ़ लड़की को? बच्चा लड़का लड़का, आप लोगों ने खरेखर कहता हूं दर्द की बात, और आज मुझे भी वो दर्द है कि मुझे अध्यात्म सिखाने के बदले उसका वेश स्वरूप आपकी जीवन व्यवस्था सिखाने का हमारे जीवन में आया। अध्यात्म सिखाना, ज्ञान दर्शन चरित्र मोक्ष का मार्ग सिखाना, अध्यात्म सिखाना, वो हमारा कर्तव्य है या संसार में जीवन कैसे जीना वो सिखाना हमारा जीवन है भाग्य सारी। मगर वो जब तक नहीं सीखोगे तब तक ये अंदर नहीं उतरेगा, इसलिए हमको ये आपको सिखाना पड़ता है। यहाँ बैठा कोई भी युवा हो ना, उनको कहता हूँ दीक्षा लेना अच्छा है, सबसे बड़ा सुख का आलम्बन है, वो तो बीच में आपको बोलना ही पड़ेगा, नहीं तर तो आपको लगेगा हमारा संसार क्या है समर्थन करता है, इसलिए कहना पड़ेगा। यहाँ जो आनंद है वो तो कहीं पर भी नहीं, फिर भी तू दीक्षा नहीं ले सकता है, संसार में रहना ही है, शादी करना ही पड़ेगा, तो किसके साथ शादी करना, शादी किसके साथ करना? हाँ मगर लड़की के साथ ही करूंगे, लड़के के साथ वो अनार्य संस्कृति अभी 100 साल के बाद आएगी हमारे भारत देश में, वो अनार्य संस्कृति 100 साल के बाद आएगी, अभी तो वही ट्रेंड चलने वाला है। मगर किस लड़की के साथ करना करोगे तो सुखी हो पाओ, जिस भी लड़कों को जो भी लड़कों को सुखी होना है ना, उन लड़कों को आज मैं शायद लगे कि मैं शायद मेरी मर्यादा से बाहर निकल रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा, मगर बहुत समझदारी के साथ बोल रहा हूं कि आपको सुखी होना है तो अनपढ़ लड़की के साथ शादी करोगे तो जीवन सुखमय जाएगा। और सच में बोलता हूं, सच में बोलता हूं, अनपढ़ लड़की के साथ शादी करोगे ना तो जीवन खुशी से भरा हुआ बनेगा। क्या चंद्र कुमार जी, मेरा स्टेटमेंट में आपको कुछ दम लगता है या नहीं? नहीं है। बहुत
सारी लंबी नजर मेरी घूम रही है, आप लोग कुआ के लड़के जैसे हो, आप तो आपकी नजर घुमाओगे तो कहां तक घुमाओगे, बेंगलोर तक या तो बंबई या तो चेन्नई, तो वहां तो अनपढ़ लड़की कैसे मिलेगी, इसके लिए तो छोटे गांवों की ओर आपकी नजर घुमाई है। नहीं मैं मेरी बात को हंसने में मत लेना भाग्यशाली, मैं गंभीरता से बोल रहा हूं, जो लड़की डिग्री पाई हुई होती है ना वो कभी भी पति के प्रति समर्पित नहीं रहेगी, ये लिख के रखो, जो लड़की डिग्रिया पाई हुई होगी ना वो लड़की कभी भी अपने पति के प्रति समर्पित वफादार नहीं रहेगी, वो पति को भी तहां वहां तक ही सहयोग देगी कि जहां तक खुद की इच्छाएं परिपूर्ण होती है, जिस दिन खुद की इच्छाओं को ठोकर लगने लगी ना उस दिन वो पति के साथ कैसा व्यवहार करेगी वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, भयानक हालत होती है। आज के जमाने में पहले से भी लग्न विच्छेद ज्यादा हो रहे हैं, डाइवोर्स ज्यादा हो रहे हैं, उसके मूल में ये जब भयंकर कारण है कि वो लोग पढ़ी लिखी लड़की को लाते हैं, वो तो अहंकार से भरी हुई ही रहेगी क्योंकि इतनी डिग्री पाई है, तो वो तेरे के साथ सहमति साधकर कैसे जीवन जिएगी, इसलिए पढ़ी लिखी लड़की को लाना वो खुद का दुख का निमंत्रण है, गलत मत लगा। वैसे लड़कियों के लिए भी करता हूं, वो पढ़ा लिखा आएगा ना तो तुम्हारी बन जाएगा, आपको नहीं संभालेगा, तो ये मोह को छोड़ो, क्षमता है भाग्यशाली। ऐसी तो बहुत सारी बातें, समय बीत चुका है, आज संघ का भी कुछ काम करने का है, तो मुझे 5 मिनट पहले से छोड़ना था मगर समय नजदीक आ गया है। मेरी बात अभी एक एक वाक्य में, मैंने जो दो चार सिर्फ आपको एंगल्स दिखाए, सिर्फ दो चार एंगल्स दिखाए हैं, वो एंगल्स से सोच के आपको नहीं लग रहा है कि एजुकेशन वो ही आज की बर्बादी का, विनाश का, पीड़ाओं का, अव्यवस्थाओं का मूल है, वैसा क्या आपको मेरा लॉजिक सुन के समझ में नहीं आता है भाग्यशाली? ठीक है, बच्चे को बढ़ाना भी पड़े वो हमारी मजबूरी हो सकती है, उसके लिए क्या करना वो आगे कभी सोचेंगे, मगर कम से कम एजुकेशन को समर्थन देना, एजुकेशन का मना नहीं है मगर आज का एजुकेशन उस प्रकार का, ऐसे तो मैं मेरे साथ, आप आपके बच्चा को एजुकेशन कितने समय तक देते हो, आप आपका बच्चा को एजुकेशन कितने समय तक देते हो, कितने साल तक, 15 साल से 20 साल, मैं मेरे शिष्यों को पूरी जिंदगी तक एजुकेशन देता हूँ, 15-20 तक नहीं, यानी कि मैं एजुकेशन का विरोधी नहीं हूं, मगर सम्यक एजुकेशन होना चाहिए जो हमारी संस्कारिता को उजागरित करे, जो हमारी जीवन व्यवस्था को संस्कारित करे और जगत के जीवों को एक दूसरे के साथ सहयोगी बनकर सौजन्य का निर्माण करे, उस प्रकार का एजुकेशन का मैं अनुमोदन करता हूं, मगर वर्तमान कालीन जो एजुकेशन को आप गौरव लेते हो ना वो एजुकेशन हमारा देश और विश्व का विनाश का मूल है। बहुत सारे एंगल्स बता सकता हूं मैं आपको, एक एक दो मिनट और ले लेता हूं। अच्छा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रिया, कारखाने, उद्योग आज के जमाने में कौन बनाते हैं, कौन निर्माण कौन करते हैं, अनपढ़ लोग ना। एक 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 उद्योग आपने डाला, एक एक फैक्ट्री, एक कारखाना, उसमें कितने कर्मचारी काम करेंगे, 1,000 काम करेंगे मान। वो फैक्ट्री में क्या बनता है, मान लो कपड़े का निर्माण, उस फैक्ट्री में मान लो कि कपड़े का निर्माण होता है, तो वो एक फैक्ट्री 1,000 कर्मचारी साल भर में कितने मीटर कपड़े का उत्पादन करेगा, करोड़ों, 2 करोड़, 5 करोड़, अब बोलिए आंकड़ा, एक बोलिए, 10 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़ रखो, चलो 5 करोड़ मीटर कपड़े का उत्पादन वो 1,000 लोग करेंगे, और आपकी आंख में आज की आधुनिक जो क्या बोलते हैं, सरकार बोलो या अधिकारी बोलो, आपकी आंखों में ढुल डालता है, वो सरकार ने इतनी फैक्ट्रिया का निर्माण करवा कर 50,000 कारीगर को रोजी रोटी दिया, और आप भी थक रहे हैं, धन्य है वो मिनिस्टर, नया मुख्यमंत्री आया ना, उसने ये क्रांति किया और 50,000 नए लोगों को नौकरी मिल गई, आप गौरव लेते हो ना, सम्मान करते हो ना। मेरा कहना है कि मान लो कि ये 1,000 कारीगर वाली ये फैक्ट्री में 5 करोड़ मीटर कपड़े का उत्पादन होता है, मान लो कि ये फैक्ट्री जब नहीं थी हमारे देश में गांधी जी से भी पहले, तब 5,000 मीटर कपड़े निर्माण करने के लिए कितने लोग उसके साथ, उस व्यापार के साथ जुड़े हुए रहते थे, 5 से 6,000,
घर घर में टोटल कितने लोग, 5 करोड़ मीटर की बात करता हूँ, कितने कारी काम, कितने लोग उस धंधे में जुड़े हुए होते, लाख लोग तो रहेंगे, मानो ना 1 लाख लोग। अच्छा, ये फैक्ट्री का निर्माण होने से 1,000 लोगों को नौकरी मिली, मगर 1 लाख लोग पहले इस धंधे से जुड़े हुए थे, 1,000 को अच्छे पगार से भले नौकरी मिली, 99,000 लोग बर्बाद हो गए। सरकार आपको वो नहीं बताएगी कि हमने ये फैक्ट्री का निर्माण किया, 1,000 लोगों को नौकरी दिलाई, 99,000 लोगों को हमने बेकार कर दिया, वो सरकार पीछे वाला वाक्य नहीं बोली। और अब भी सोचते नहीं है क्योंकि ये तो भाड़े से दे दिया है ना, ये तो भाड़े से दे दिया है। मैं कहता हूँ जितना उद्योग बढ़ रहा है ना, उतना देश और देश की प्रजा बर्बाद हो रही है। ये उद्योग किसने डाला, अनपढ़ ने डाला या पढ़े हुए लिखे हुए लोगों ने डाला? जो वो व्यक्ति ने ऐसा एजुकेशन, फैक्ट्री कैसी कैसे चलानी चाहिए, मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, ये सब पढ़ाई होता तो फैक्ट्री डाल सकते, और उसने फैक्ट्री नहीं डाली तो ये 99,000 लोग जो बेकार हो गए वो बेकार होते। मैं कहता हूँ ये 99,000 लोग जो बेकार हुए हैं ना, उसमें मूल में एजुकेशन जिम्मेदार है। ठीक जमता है, ठीक है, अभी क्या करना, जल्दी से कल से ही आपके बच्चों को स्कूल में से उठा लेना मत, क्योंकि हमें सोच समझदारी से रास्ता निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है अंधाधुंध कदम उठाना नहीं है, मगर विजन पहले क्लियर करो। तो आज का एजुकेशन मुझे नहीं चम रहा। ये बात किसमें से निकली थी? समानतावाद में से निकली थी। अब समय हो चुका है तो जो अधूरी बात है वो आगे चलाएंगे। ये सब समझ के आप भी पवित्र भावनाओं से वासित बनकर मिला हुआ मानव जन्म को आत्म कल्याण की साधना करके जीवन को सफल बनाओ, वो ही अंतर से आशीर्वाद। अपने जो संघ की योजना हर साल की तरह इस साल भी सर्वसाधारण आमिल खाता, भोजनशाला, पाठशाला और संस्कार वाटिका, ये 5 योजनाएं जो अपने बीच में रही हुई हैं, और उसका पूरा का पूरा पैकेज जो है वो 63,000 का पैकेज है, जिसके अंदर 63,000 दिखाने से ये 5 योजना के अंदर लाभ प्राप्त हो सकता है। तो उसके अंदर भी हर साल जो अपन ये योजना करते हैं और अपने मंदिर की सभी क्षेत्र की व्यवस्था एकदम व्यवस्थित ढंग से चलती है, जितनी भी सुविधा हमें प्राप्त होती है तो उस सुविधा के पीछे भी कहीं ना कहीं ये योजनाएं रही हुई हैं। यहाँ पर भोजन की व्यवस्था, मंदिर की व्यवस्था, यहाँ पर बच्चों को संस्कार देने की व्यवस्था, यहाँ पर प्रभु भक्ति की व्यवस्था, ये सब जो व्यवस्था है और उसके मूल के अंदर यदि कोई रहे तो ये सारी योजनाएं हैं, तो जिसके अंदर सबको भी अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने की विनती है। जो नाम आए हुए हैं वो नाम की उद्घोषणा अभी आपके समक्ष हीरालाल जी कर रहे हैं, और उसके बाद में जिनको भी भावना रहे, जिनको भी और भी लाभ लेने की इच्छा रहे तो अवश्य अपना नाम लिखाइए। 5 योजनाओं के नाम इस प्रकार है, सर्वसाधारण की 15,000, उसके अंदर नाम आए हुए है सभी, चंद्र कुमार जी, मिश्रा जी, वोरा का पॉपुलर जूनियर, गोवर्धन जी, बेंद्रा जी, बोरा, पुष्पक कुमार जी, कांतिलाल जी, बैंगलोर।